सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की ओर से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विशाल श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु चलाए गए संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मॉडल हाउस के प्रधान दिनेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, परमजीत लखनपाल, विकास बग्गा, पंडित उमेश झा, पंडित मेघराज शास्त्री, श्री चिंतपूर्णी मंदिर घई नगर की राधा रानी घई, कृष्ण कुमार घई, मयंक घई, अमायरा घई, श्री शिव मंदिर शिवा आश्रम की स्वामी शिवा भारती, सुनील अरोड़ा, टीटू आनंदी, स्नेहित कन्नू, श्री विश्वकर्मा मंदिर ग्रीन एवेन्यू के राजू ठाकुर, पंडित संतोष झा, कपिल देव, जय किशोर शर्मा, गजेंद्र ठाकुर, सुरेंद्र पंडित, लक्ष्मण शर्मा, प्रभु ठाकुर, संजय शर्मा, श्याम बाबू, विनोद ठाकुर, श्री गीता मंदिर गीता कॉलोनी के पंडित प्रमोद त्रिपाठी, प्रिंस और वरुण, श्री वैष्णो देवी धर्मशाला कमेटी न्यू दशमेश नगर के प्रधान सुनील कुमार, पंडित विजय राम, संजीव कुमार, पूनम तिवारी, प्रतिभा मिश्रा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर इस शोभा यात्रा में असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। भगवान राम का पर्व रामनवमी इस वर्ष 10 अप्रैल को आ रहा है। उसकी पूर्व संध्या पर सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर से एक मर्यादित और भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है। मंदिर कमेटी की संपर्क अभियान की कमेटी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मॉडल बॉक्स को जा रही है। मंदिर कमेटी के सभी मेंबर उनका दिल से स्वागत करते हैं और आश्वासन देते हैं कि मॉडल हाउस से मंदिर कमेटी से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु श्री देवी तालाब मंदिर 9 तारीख को पहुंचेंगे और इस मर्यादित शोभा यात्रा में भाग लेंगे। धन्यवाद। मैं राधा गई माता चिंतपूर्णी मंदिर कई नगर बस्ती शेखतों 9 तारीख को 9 अप्रैल को श्री शीतल विजदी जी अध्यक्षता के बीच जड़ी चिंत देवी तालाब मंदिर तो शोभा यात्रा निकलनी है रामनवमी की, उसमें अपने समूह संगत के साथ शामिल हो करके ओम हुमा के असि शामिल होना, शोभा यात्रा का उत्साह बढ़ाना और सारे नगर वासियों तो अपील है कि ओम हुमा के पहुंचन। जय श्री राम। श्री देवी तालाब मंदिर से श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष में जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा है तो हमारे श्री विश्वकर्मा काष्ठ कला परिषद और श्री विश्वकर्मा मंदिर की तरफ से बड़े सज धज के सारी संगठनों के साथ रज मिलकर और हरि नाम श्री राम धुन का कीर्तन करते हुए हम शोभा यात्रा में शामिल होंगे और श्री राम प्रभु का गुणगान करेंगे और सभी वहाँ की मतलब श्री देवी तालाब मंदिर के हार्दिक बधाई शुभकामना। जय श्री राम। श्री देवी तालाब मंदिर से 9 तारीख को श्री राम उत्सव रामनवमी शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें श्री विश्वकर्मा मंदिर की तरफ से सभी भक्तजन शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए श्री आपति रामचंद्र भगवान की जय। सभी राम भक्तों से निवेदन है कि 9 अप्रैल दिन शनिवार को श्री देवी तालाब से श्री रामचंद्र जी का शोभा यात्रा निकाला जाएगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भगवान के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी इकट्ठा होकर के श्री देवी तालाब के प्रांगण में उपस्थित हों। जय श्री राम। हाँ जी, असि माँ वैष्णो देवी धर्मशाला कमेटी वालों न्यू दशमेश नगर तो बोल रहे हैं ते 9 अप्रैल नूं असी पूरी संगत लैके पूरे मंदिर के मैंबरां नूं लैके हुम हुमा के पहुंचांगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। अपनी हस्ती को जो कदमों में मिटा देते हैं, अपनी हस्ती को जो कदमों में मिटा देते हैं वो हर हाल में अपने प्रीतम को रिझा लेते हैं। ऐसी आवाज में कहते हैं भक्त जब बुलाते हैं राम जी को आना ही पड़ता है। ऐसी आवाज में कहते हैं प्रभु आ जाओ,
प्रभु आ जाओ, उसको आने के लिए मजबूर बना देते हैं, प्रभु को आने के लिए मजबूर बना देते हैं। बड़े होशियार होते हैं प्रभु को चाहने वाले, बड़े होशियार होते हैं प्रभु को चाहने वाले। प्रभु बोले जब ये रोते हैं तो हमको भी रुला देते, क्योंकि भगवान को भी रोना पड़ा जब कौशल्या की गोद में आए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी तारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी। तो माता कौशल्या ने कहा इतना विराट रूप लेकर मेरे को दर्शन दे रहे हो, ये कैसे लोग संभव होगा, लोग कहेंगे इतना बड़ा पुत्र पैदा कर दिया। तो भगवान बोले बोलो क्या चाहती हो, तो बोली नहीं छोटा बालक बनकर मेरी गोद में आ जाओ। तो सुनी वचन सुझाना रोधन ठाना, उधर कौशल्या जी रो रही है उधर राम जी रो रहे हैं, रोते रोते प्रभु बालक बनकर कौशल्या की गोदी में आ गए। और हमारा नव संवत भी आने वाला है, और भगवान की विशाल शोभा यात्रा जो है इस बार भव्य शोभा यात्रा अलग ढंग से निकल रही है, एक राम जी की झांकी होगी और हम सब जो है पैदल उनके साथ चल के श्री राम जय राम करते हुए भजन कीर्तन करते हुए साथ साथ चलेंगे। शिवाश्रम की तरफ से हम पूरी संगत लेकर पूरा सहयोग देंगे।